वर्तमान जिस शासन में वर्तमान महावीर भगवान की सारे श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की श्री सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की जब तक निज घर ना मिले तब तक भटकन ही भटकन है। जब तक निज घर ना मिले तब तक भटकन ही भटकन है और जब तक शुद्धात्म स्वरूप नहीं खिलता तब तक जन्म मरण है। जब तक अपना घर उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक आदमी इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। कड़कड़ रूमा कोर्ट के सामने से गुजरते हुए हम लोग सुखी को जाते हैं। वहां बहुत सारे लोगों ने अपना डेरा बसेरा कर लिया था, लेकिन G20 का कार्यक्रम आया और उन्हें वहां से हटा दिया। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आया, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें आगे लगा लिया। फिर कोई सफाई अभियान चला, वहां से हटा दिया गया, वहां से वो चले गए। फिर उन्हें और कहीं लगा लिया। और जब तक खुद का घर नहीं है तब तक जैसे वो इधर उधर भटकते हैं वैसे कई लोग इधर से उधर भटकते रहते। अगर भाड़े का भी मकान हो तो थोड़े दिन यहाँ रहो, फिर मालिक से तकरार हो जाए, भाड़ा ज्यादा मांगने लग जाए, भाड़ा ना दे पाए, तो भी समस्या। तो जब तक खुद का घर नहीं होता है, जब तक खुद का घर नहीं मिलता है तब तक भटकन ही भटकन है, और जब तक शुद्धात्म स्वरूप नहीं खिलता है तब तक जीवन मरण है। खुद का घर मिल जाए फिर नहीं भटकना पड़ेगा, फिर किराए भाड़े के लिए नहीं जाना पड़ेगा, फिर किसी सड़क के आजू बाजू में डेरा नहीं लगाना पड़ेगा। खुद का घर है हमारा, दिल्ली में हमारा खुद का घर है। हमारा तो है ही नहीं दिल्ली में, क्या कहीं भी नहीं है। भले दिल्ली में ना हो लेकिन बहुत लोगों के दिल में जरूर है। भगवान और गुरु दिल में जगह बनाते हैं, जिनके दिल में भगवान और गुरु रहते हैं उनको दिल का दौरा नहीं पड़ता। सज्जनों, जब तक भटका नहीं जब तक खुद का घर नहीं। अपने घर के बिना आपका परिचय भी नहीं बनता। परिचय में क्या लिखेंगे, आपका स्थाई पता क्या है। जैसे यहां एक स्थाई पता जरूरी होता है वैसे हमारे लिए एक स्थाई पता होना भी जरूरी है। अभी तक हमारा अस्थाई पता है, हमारा तो खैर स्थाई पता कोई है ही नहीं, पर हमारा स्थाई पता जो है वो हम में ही है। मेरा शुद्धात्मा, मेरी सहजता, मेरी शांति। परिचय क्या है आपका, आपका पता क्या है। ज्ञानी कहते हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म से रहित, कर्म की उपाधि से रहित, नित्य शुद्धात्म तत्व मैं हूं, ये मेरा परिचय है। पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से भिन्न, स्वा द्रव्य स्वा क्षेत्र स्वा काल स्वभाव में रमने वाला मैं अखंड आत्मा हूं, ये अपना परिचय है। मैं अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में अभेद रूप से रहता हूं।
अपने गुण पर्याय संयुक्त निज द्रव्य में ही मैं रहता हूँ, ये मेरा परिचय है। क्षणिक व्यक्ति, क्षणिक पर्याय, ज्ञान दर्शन चारित्र की क्षणिक पर्याय, नित्य अनित्य आदि जो भेद हैं या पुरुषाकार मात्र, ये मेरा स्वभाव स्वरूप नहीं है। मैं ज्ञायक स्वभाव वाला चैतन्य आत्मा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि गुणों का स्वामी हूं। सिद्धत्व को उपलब्ध करने की योग्यता वाला होने से मैं ही सिद्ध हूं। अनंत गुण, शुद्ध गुण और पर्यायों का स्वामी होने से मैं ही भगवान। सिद्ध समान निर्विकल्प शुद्ध चितात्म तत्व का अनुभव करने वाला मैं परमात्मा। ये ज्ञानी का अपना परिचय है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से निश्चय नहीं, से यह मेरा स्वभाव है, ये मेरा परिचय है। आप कहोगे इस परिचय में ये तो कुछ नहीं आया, मेरा रंग कौन सा है, रूप कैसा है, लंबाई कितनी है, लिखते हैं ना ये फियर बायोडाटा। तो आपके बायोडाटा आपके जैसे होते हैं, हमारा बायोडाटा हमारा जैसा होता है। अब इतने परिचय में कहीं नहीं आया वर्थ ऑफ डेट, इसकी बर्थ डेट नहीं है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। रंग भी नहीं बताया है, कैसे बताएंगे? बोले महाराज जी आप तो सांवली हैं, कैसे बोलेंगे? सांवली होना, पिघोरे होना, ये पुद्गल का वर्ण है, चेतना का ये वर्ण नहीं होता। फिर लंबाई भी नहीं, आत्मा की कोई लंबाई नहीं है। स्वदेह परिणामो परिमाणो, जिस शरीर में जाता है उतने देह प्रमाण होके रह जाता है। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता था, नन्हे से बच्चे का भी अपना एक पता होता था, ऊंचाई उसकी नापी जाती थी तो 2 फुट 2.25 फुट, और अब जब वही बड़ा हो गया तो लिखा जाता है 5 फुट 6 इंच, 6 फुट 9 इंच। कलर भी देखिए, तो ये जो परिचय दिया जाता है देह का, ये आयु का, ये सब पुद्गल की देन है। और जो अपने निज आत्म गुणों का परिचय है वो अपनी निजी संपत्ति है। इस तरह से कभी विचार करते हैं आप लोग? ये तो महाराज जी आप ही विचार करो। और जब तक ऐसा विचार न करेंगे तब तक आप अस्थाई पताओं पर ही भटकते रहेंगे, स्थाई नहीं हो पाएंगे। सौभाग्यशाली हो कभी इस तरह से विचार करो कि जैसे सिद्ध भगवान है परम सुखी आनंदमय, वैसा मेरा भी स्वभाव है। देखो तो लोगों की अज्ञता, वितरागी परमात्मा से भी रात की चीजें मांगते हैं, संसार मांगते हैं। संसार तो ना भी मांगो तो भी चलने वाला है, जो आश्रय बंध किया है, जो पुण्य पाप पल्ले पड़ा है, वो सब सामने आने ही वाला है। लेकिन अगर पाने जैसा कुछ है तो वितरागता। बुध जहां चाहूं क्या मांगता हूं, बुध मांगता हूं, ज्ञान मांगता हूं, रत्नत्रय निधि दीजिए। क्या चाहिए? रत्नत्रय रूपी निधि। जन्म मरण तो लगा हुआ है, अस्थाई पता है। ये तुम्हारा स्थाई पता है क्या?
बोलो, यहाँ नंबर चलते हैं, नाम बोलेंगे फिर बोलेंगे 105 ऋषभ विहार, 108 ऋषभ विहार है, ऋषभ सागर है, फोर्टी सेवन कोई बता रहे थे महाराज जी, योग संयोग देखो 47 नंबर में ही आपका आर हो गया। अब हमको तो नहीं पता यहाँ के नंबर वगैरह, इनको ज्यादा यहाँ के नंबर पता है बाय नेम, बाल बच्चों से इस घर में कौन कौन पर्सन रहता है। गौरव के साथ बताते भी हैं, बोले महाराज जी को जितनी गाथाएं याद है मुझे उतना ही मोबाइल नंबर याद है। हम भूल रहे हैं धीरे धीरे, गाथाएं याद रखना जरूरी है, संसार को भूल जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान याद रहेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। सौभाग्यशालियों, कितना भी वक्त हो जाए जीव और चेतन दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, क्षेत्र में भिन्न भिन्न है, भिन्न अभिन्न नहीं होते और अभिन्न भिन्न नहीं होते। आत्मा का कोई भी गुण निकल के कहीं नहीं जा सकता और किसी और द्रव्य का गुण आत्मा में नहीं आ सकता। पूरी सुरक्षा है, पूरी व्यवस्था है, अपना पक्का पता बनाना है तो अपने स्वरूप को समझना होगा, नहीं तो ऐसे ही मनाते रहो, इस जन्म की मनाए रोज मनाओ। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भावपौट में लिखा और भगवती आराधना में भी कि जो 17 प्रकार के मरण है ना उसमें एक अविची मरण भी होता है, एक एक सेकंड में एक एक समय में भी जीव का, एक एक घंटे में भी तो जा रहा ना समय, बोले जन्मदिन मनाएंगे, पहली तारीख से मनाएंगे फिर तिथि से मनाएंगे। अब इतना क्यों करते हो, हर महीने मनाओ ना, हर महीने 7 तारीख आती, अच्छा फिर हर महीने 7 तारीख को ही क्यों मनाना, हर हफ्ते मनाओ, हर हफ्ते में वो एक दिन आता है जिस दिन आप, फिर वो टाइम भी हर रोज आता है जिस रोज आप 5 बजे, और आचार्य श्री तो कहते हैं कि हर समय नया जन्म है, एक सांस आई एक सांस गई उतना तो मरण हुआ ना, उसको मानते कहाँ है लेकिन। भूमाथम थोड़ा समझ भी लेते हैं एक सांस में 8-10 बार कि भाई ऐसा होता है, भगवतिया जीवों में ऐसा होता है, लेकिन वो बात हम अपने लिए क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, हमारा एक एक वक्त जा रहा है, माना कि पूरी तरह से सांसें बंद हो जाएंगी तब कहलाएगा मरना, लेकिन रोज रोज भी तो समय जा रहा है, निकट ही तो चले जा रहे हैं, हैं? आप राजस्थान से दिल्ली के लिए चले, जितने किलोमीटर चल चुके आपने कहा इतना तय हो गया, आगे आधा बचा है,
अब इतना बचा है, बस अब आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आयु के संबंध में क्यों हिसाब नहीं लगाते हैं कि अब आधा तय हो गया है, अब इतना बचा है और चलते चलते वो भी पूरा हो जाएगा। केकड़ी से दिल्ली जाना है तो चलना पड़ेगा, लेकिन आयु के लिए तो चलना भी नहीं पड़ेगा, स्वयं उसका समय ऑटोमेटिक जा रहा है। ऐसे में इस देह को पाकर के देह देवालय में विराजित निज भगवान आत्मा की अनुभूति करना ही जीवन का सौभाग्य। पर्याय की पूजा नहीं होती है, उस पर्याय की शुद्धता किस स्तर तक पहुंची है उसकी पूजा होती है। शांति सहजता शुद्धता बढ़े इस तरह का मंगल तो शास्त्र जरूरी है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते नाम अनेक धराए, हम तो कबहू ना निज घर आए। पुराने गीतों में भी बहुत बहुत ज्यादा रस है, उसको उस ढंग से गाएं, उस ढंग से बजाएं तो बात मानती। नाम अनेक धराए हम तो, पुराने कवियों के गीत है, कभी आप रमिए इसमें। आजकल क्या करते हैं, पिक्चर का गाना उठाया, एक दो शब्द चेंज किए और कूद पड़े, उतना दम नहीं। अब इस तरह के गीतों पर चिंतन करें और कितनी बड़ी प्रेरणा है। यानी जिस घर तुम जल्दी से भाग जाते हो ना, प्रवचन पूरा हुआ नहीं, महाराज जी ने जय बोली नहीं, कि तुम सबसे पहले कुर्सी से उठ के गाड़ी की तरह लपकते हो, कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन वो घर वो ऑफिस आपके लिए इस भाव के लिए आधार हो सकते हैं, शाश्वत रूप से निज के लिए आधार तो निज आत्मा ही है, शुद्धात्मा ही है, सिद्धालय है। कहते हैं कि इस जीव का एक घर तो निगोद है जहाँ बहुत समय तक रहा, फिर किसी योग से पुण्य से निकल करके तरस आदि पर्याय में होता हुआ यहाँ तक पहुँचा, और अब अगर ये साधना करके आराधना करके विकारों का नाश करके सिद्ध हो जाए तो सिद्धालय ही इसका वास है, नहीं तो दर दर की ठोकर खाओ आज यहाँ कल वहाँ। पद विहार करते करते मुनिराज यही तो अनुभव करते रहते हैं, यही शिक्षा लेते और देते रहते हैं कि कोई शाश्वत ठिकाना नहीं है, चलते रहो जब तक शाश्वत ठिकाने तक नहीं पहुंचा। सौभाग्यशालियों, किसी नगर और किसी घर में आप रहते हैं तो भी एक कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में जीवन। यात्रा जारी है, इतने साल बीत गए और यात्रा पूरी होगी कहां पर, कार्य समय सार स्वरूप सिद्धात्मा की उपलब्धि होने पर। कारण समय सार तो हम सभी हैं, जो लोग हमसे लड़ रहे हैं वो भी, जो हमें गाली दे रहे हैं वो भी होनहार भगवान आत्मा है, जो हमारे मित्र हैं वो भी, जो हमारे शत्रु बने हैं वो भी। लेकिन कार्य समय सार दशा उनकी होती है जो सारे विकारों को और कर्मों को नष्ट कर देते हैं, जहाँ कोई आयुष्य नहीं है। सिद्धों का मनाएंगे आप लोग जन्म दिवस, सिद्धों का क्या मनाएंगे, सिद्ध हो गए अनादि अनंत शुद्ध दशा को उपलब्ध है, वही दशा अपनी हो, यही भावना है सज्जनों। आचार्य कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, जीवेन स्वयं बद्धं
न स्वयं पर्णमैकं भावेण जैपुक्कल्दव्यमिदम् अपरिणामी तदा होदी। लगातार पांच गाथाएं और पुद्गल जो है वो जीव रूप नहीं परिणमता, जीव पुद्गल रूप नहीं परिणमता, और जीव या पुद्गल या कोई भी द्रव्य सर्वथा अपरिणामी नहीं है। एक मत है दुनिया में सांख्य मत, जो कहता है कि सब कुछ अपरिणामी है, तटस्थ नित्य है, कुछ भी परिवर्तनशील नहीं है। तो उन्हें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अपितु यदि उद्गल द्रव्य न तो जीव से स्वयं बंधा है, न ही कर्म भाव से स्वयं परिणमन करता है, ऐसा मान लिया जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। परिणामी मतलब परिणमनशील। अरे परिणमन होता गया तभी तो कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, परिणमन हो रहा। अपरिणामी मतलब नहीं बदलने वाला, द्रव्य का स्वभाव ही परिणाम है। गुण पर्याय वत् द्रव्यम तद्भावा परिणामा। तो यदि ऐसा मान लिया जाए कि ना तो जीव उद्गल द्रव्य, ना तो जीव से स्वयं बंधा है और ना स्वयं कर्म रूप से परिणमन करता है, तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हो जाएगा। पुद्गल द्रव्य भी परिणमनशील है, जीव द्रव्य भी परिणमनशील है। पांच गाथाएं हैं, जिसकी 117 नंबर की गाथा है, कम्मय्य वग्रासुया अपरिणमन्ति सुखम भावेण संसारस्य अभावो असज्जरे संख समोवा। अथवा बामने अथवा कार्माण वर्गणा स्वयं कर्म भाव से नहीं परिणमती हैं। उद्गल की जो कार्माण वर्गणा है वे कर्म रूप से नहीं परिणमती, ऐसा यदि कोई माने तो संसार का अभाव हो जाएगा। जब कर्मा वर्गनाएं कर्म रूप से परिणमित नहीं होंगी तो किसका संसार होगा, कर्म ही नहीं होगा, क्यों संसार होगा। और फिर सांख मत का प्रसंग आ जाएगा, कैसे प्रत्येक द्रव्य कूटस्थ नित्य और शुद्ध है, जबकि हमारी अशुद्धता परिणामशीलता कर्मों का आश्रय बंध कर्ता भोक्तापना प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कार्मण वर्गणा स्वयं कर्म भाव से नहीं परिणमती है, अपितु परिणमती है, परिणमन होता है, चेंजिंग होती है। उद्गल कर्म हमें यानावरण आदि रूप से बंधते हैं। फिर आगे देखिए, जीवो परिणामयदि पुद्गलद्रव्याणिकं भावेन ते स्वयं परिणमन्ते कहमनु परिणामयदि चेदा। यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, कौन परिणमाता है बोले जीव, यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप से परिणमाता है ऐसा माना जाए तो ये शंका होती है कि स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गल को चेतन कैसे परिणमाता है। हम कहते हैं ना कि उसने कर्म बांधा, उसने कर्म को परिणमाया, वास्तव में पुद्गल की खुद की योग्यता है परिणमन करने की, ये निश्चय नहीं की चर्चा चल रही है। पुद्गल की खुद की योग्यता है इसलिए वो कर्म रूप से परिणमित हुआ। अगर ऐसे कहें कि जीव ने परिणमाया तो बताइए परिणमते हुए को परिणमाया कि अपरिणमते हुए को परिणमाया। इसने गाड़ी चलाई
उसने चलती हुई गाड़ी को चलाया कि नहीं चलने वाली गाड़ी को चलाया? अगर नहीं चलती है गाड़ी तो ये क्या चलाएगा, बंद पड़ी रखी है। और अगर चलने वाली चलती हुई गाड़ी को चलाया तो अभी इसने क्या चलाया, उसकी योग्यता थी इसलिए इसने गाड़ी को चलाया, गाड़ी चल सकती थी ये निमित्त बना। यहां उस बात को भी थोड़ा गौण किया जा रहा है और इसको कहा कि द्रव्य खुद अपनी योग्यता से परिणमता होता है। हम लोगों ने बहुत कर्तृत्व लाद रखा है, बहुत अहंकार उड़ रखा है कि मैं ऐसा करता, मैं वैसा करना, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने फैक्ट्री खोली, अब मैंने दुकान खोली, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। खूब आता है, खूब राग द्वेष आता है और जितने उलझते जाते हैं ना उतने परेशान होते जाते हैं। और थोड़े से उदासीन हो कि ठीक है मेरे करने लायक काम मैं करता हूँ, बाकी होता तो वही है जो उस समय की योग्यता होती है। कल एक पंडित जी आए और कहने लगे मैं जयपुर से भागा। हमने पूछा पैदल भागे क्या? नहीं, गाड़ी में बैठ के भागा। तुम भागे गाड़ी? भागी भागी तो गाड़ी, और मैं सोच रहा था कि इतने बजे तक पहुंच ही जाऊंगा, कार्यक्रम की पूंछ तो पकड़ में आ ही जाएगी। लेकिन मैं भागते आया बीच में मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई अब क्यों नहीं भागे फिर? क्योंकि भाग तो गाड़ी से रहे थे, गाड़ी चल रही थी तो आप उसमें निमित्त बने हुए थे और चलती जा रही थी, और उसकी योग्यता नहीं है सब समय की। तो ऐसे ही घर में कोई काम ऊंचे नीचे हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, ये समझो कि ये सारी चीजें संभवतः इसी शायद इसी रूप से होने वाली हैं। अब थोड़ा हिम्मत से विवेक से काम करो, रास्ते निकलते आएंगे, धीरे धीरे अपने हिसाब से काम चलते जाएंगे। रोते पीटते बैठना या बहुत क्लेश करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये समय सारजी से व्यवहार के जीवन की कलाएं भी सीखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि कर्तापन का जो अहंकार हमने लाल रखा ना, वो थोड़ा सा कम होता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला नहीं हूं। परिणमन बोलो पारस, माल कौन बनाता है? आप बनाते हो कि मशीन बनाती है? श्रेणी को भी बहुत टेंशन है आजकल, एक नहीं दो दो दुकान का टेंशन, और दो चार खोल लेंगे और फिर बंदर की तरह नाचेंगे। अरे जिसमें सुख शांति बनी रहे वो काम अच्छा। अगर माल हम बनाते हैं तो वैसा हम चाहते वैसा क्यों नहीं बनता, और फिर उसमें से एक लाट खराब क्यों निकल जाता, शुरुआत में आगे पीछे थोड़ा बिगड़ क्यों जाता है? हम तो ये चाहते हैं कि सब कुछ एक नंबर का हो, लेकिन एक नंबर का करते करते दो नंबर कैसे हो जाता है? इसका मतलब है कुछ चीजें हमें प्रकृति पर, भाग्य पर, कर्म पर या द्रव्य के परिणमन पर छोड़ देना चाहिए। जानबूझ करके तो हम अच्छा ही करेंगे, बिगड़े ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कुछ बिगड़ गया, ऊंचा नीचा हो गया तो ज्यादा माथा फोड़ी फिर नहीं करना चाहिए। ये समझो कि इसी टाइप के अनहार थे, खूब शोधन कर करके आहार करा रहे थे आप खूब अच्छे से कि आज तो बिल्कुल महाराज जी का दो दिन का अंतराय है, आज तो बिल्कुल हम अंतराय नहीं होने देंगे। आप बैठ गए, घर वाली को भी बिठा लिया, माँ बाप को भी बिठा लिया, बच्चों से उस शोधन में लगा दिया, लेकिन चलते चलते आखिर कहीं ना कहीं आ ही गया बीच में, फिर अब आप क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि क्या करें, हमारे दानांतराय का उदय था, हम पूरा नहीं दे पाए, शोधन तो कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऐसे ही जैसे अपन इसमें विचार करते हैं, ऐसे संसार संबंध में भी कोई ऊंचा नीचा हो जाता है, स्वास्थ्य को लेके, दुकान को लेके, रिश्तों को लेके, तो भी अपने मन को समझाना चाहिए
जज साहब से पूछो नया किस्सा। उसी दिन यहाँ पर एक युवक ने संबोधित भी किया था कि आजकल जो है क्या बोलते हैं इसको, साइबर क्राइम इतना खतरनाक ढंग से चलता है कि आदमी को पता ही नहीं पड़ेगा कि उसका बैंक का डेटा कब उड़ गया। इस ढंग से सामने वाले ठगेंगे कि आप खुद उनको अपना पासवर्ड दे दोगे, खुद आप उनको ट्रांसफर कर दोगे। पहली तो सावधानी बरतो कि अजनबी व्यक्ति से बात नहीं करना, जिस चाय को नंबर लेना देना नहीं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी नहीं आना। उसने कहा कि हम बस 6 महीने में तुम्हारा दुगना कर देंगे, 6 महीने में दुगना करने चले, मालूम पड़ा कि 6 घंटे में आधा ही नहीं रह गया, पूरी खत्म हो गया। इसलिए चतुराई अपनी विवेक रखो, विवेक रखते रखते भी अगर कुछ हो जाए गड़बड़ तो समझो कि कोई ऐसा योग संयोग होगा, निपट गया। सज्जनों, इसके आगे और हिंदू गाथा इसी से जुड़ी हुई, अहसय में वही परिणाम दी, अहसय में वही परिणाम दी, कम भावेण पुगलम दब्बम जीवो परिणामय दे, कम्मं कम्मत्तमिति मिच्छा। कह रहे हैं कि यदि ऐसा माना जाए, पहले कहा कि यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है तो बताओ परिणमते हुए को परिणमाता है कि नहीं परिणमते को परिणमाता है। अब कहो कि परिणमते को परिणमाता है तो क्या परिणमाता है, वो तो परिणम ही रहा था। आप कहो नहीं परिणमते को परिणाम आता है तो जिस चीज की योग्यता नहीं है बदलने की उसे कोई बदल सकता है क्या? रेत से कोई रोटी बना सकता है? बोलो अम्माओ है? ज्वार के आटे से पतली रोटी बना सकता है कोई? एकदम कौन बना सकता है? टिकड़ी वालों नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते? मोटी बनती है बोले, एकदम पतली रोटी ज्वार की नहीं बनती। अगर बनती है तो उसमें दूसरा आटा मिलाना पड़ेगा या फिर उस ज्वार के आटे को ही बहुत ज्यादा बारीक करना पड़ेगा। ज्वार के आटे में और गेहूं के आटे में एक खास विशेषता होती है, गेहूं के आटे में स्निग्धता ज्यादा होती है और कण उसके सूक्ष्म हो जाते हैं, लेकिन ज्वार के आटे में रूक्षता ज्यादा होती है और कण उसके थोड़े बड़े रह जाते हैं। और इसलिए ज्वार की रोटी गेहूं की रोटी की तरह नहीं बनती है, अलग तरह की बनती है। और अगर बना भी लो तो जो मोटी रोटी का स्वाद होता है पतली का नहीं। सबकी अपनी अपनी स्वाद की बात। उदाहरण हो गया ये कि अगर वो चीज उस रूप से नहीं बन सकती है तो आप कुछ भी करके नहीं बना सकते। रेत की रोटी आप नहीं बना सकते, क्यों? उसमें वैसी तासीर ही नहीं। ऐसे ही जीव कर्म को परिणाम आ रहा है ऐसा कहना बुद्धिमानी नहीं है। निश्चय से तो बोले कर्म परिणाम रहा है, पर यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म भाव से परिणमता है तो फिर जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है। जीव ने पुद्गल को कर्म रूप से परिणमाया, ये बात झूठी हो जाएगी? इस अपेक्षा से तो झूठी है, निश्चय से पुद्गल ही कर्म रूप से परिणमित। भाई आयु कर्म अपने हिसाब से झड़वा रहा है। बताइए हमारे इतनी आयु वाला होने में हमारी क्या मेहनत थी? आप 50 साल के हो गए, आपने 50 साल का होने के लिए क्या किया बताइए?
और जब आपका 50वां सेलिब्रेशन हो रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, बैंड बज रहे हैं, आपके बेटे को भी लगा कि 50 साल का होने में इतना बढ़िया ऐसा जलसा होता है, मुझे भी पापा 50 साल का कर दो, मेरा भी मनाओ। फिर आप समझाओगे कि बेटा 50 साल का ऐसे नहीं हो जाते, जब 50 साल बीतते हैं तो 50 साल का होते हैं, मतलब वो आयु कर्म अपने हिसाब से जड़ेंगे तो जाके आप उस उम्र तक पहुंचेंगे। आयुष्य की निशेक अगर नहीं उतने होंगे पूरे, उतने वर्ष तक की गणना ना होगी तो आप उतने साल के नहीं कहलाएंगे। इसमें आपका रोल सिर्फ उपस्थित रहना है, मूल रोल तो इसमें है आयु कर्म का, काल गणना का। अच्छा, आप कहोगे नहीं मैं 50 साल का हुआ, लेकिन आप 50 साल के हो गए, लेकिन कुछ लोगों की चाह ये रहती है कि वो 50 60 70 के होने के बाद भी उनकी चाह रहती कि हम 16 साल जैसे दिखें। हाँ, एक विदेशी व्यक्ति का हम पढ़ रहे थे कि उसने अपने आप को 16 साल का दिखाते रहने के लिए 55 साल 44 साल की उम्र में उसने अपने आप को एकदम 16 17 साल का दिखते रहने के लिए $4 बिलियन खर्च करती है। कितने? हाँ बताइए। अरे इतने डॉलर में तो यहाँ 16-16 साल के 100 बच्चे पढ़ करके पहलवान बन जाते, लेकिन क्या वो व्यक्ति ऐसा करके 16 साल का रह पाएगा? आयु हो सकता है कि तुम खाना पीना और शरीर को ऐसा मेंटेन कर लो एकदम युवा दिखते रहो, लेकिन आयु आयु को रोक लोगे क्या? ये नेता अभिनेता जो होते हैं ना, ये भी ऐसे खूब चौचले करते हैं सुंदर दिखते रहने की। तो क्या आयु रुक जाएगी? आयु पूरी होगी, 90-95-100 के हो करके सबको रवाना आना ही पड़ता है। ऐसे में ये समझें कि आयु वगैरह का भी करता मैं नहीं हूँ, सौभाग्य से आयुष्य है, विवेक है, समझ है, तो धर्म ध्यान में जीवन बनाओ। एक बात और कही इसमें, 120 नंबर की गाथा में, नीमाकम परिणदम कमम चिये हो दिपुगलम दब्बम तहे तम नानावरणाई परिणदम मनसु तच्चेव। मतलब ये बात सिद्ध हुई कि पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमता होगा, नियम से कर्म रूप होता है। कौन? पुद्गल द्रव्य खुद ही कर्म रूप परिणमित होता होगा, कर्म रूप होता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य ही ज्ञानावरण आदि रूप परिणमित होता है, ऐसा जानना। इससे एक बात आप समझ लो कि जो जो कर्म रूप परिणमित हुए हैं द्रव्य, वे वापिस अकर्म रूप भी हो जाएंगे। जैसे आपका साता बंधा था और साता उदय में आया और झड़ गया वो कर्म, अगर आप आगे आगे और कर्म न बांधें तो इन सारे कर्मों को झड़ाया जा सकता है और आत्मा को भिन्न किया जा सकता है। नई आयु न बांधे, जैसे अरहंत भगवान नई आयु नहीं बांधते, क्यों? मोह मिट गया है, ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण खत्म हो गए, अब कोई नई आयु नहीं बनती। हमारा आत्मा हम पुरुषार्थ करें या हमें ढेर सारी नई नए कर्म ना बंधे। कर्म पुद्गल तो परिणमित होगा, आप जिम्मेदार हैं। आगे 5 गाथा फिर आने वाली हैं, आप जिम्मेदार हैं अपने भावों की। अगर आप अपने परिणामों को सही दिशा में लेके चलेंगे तो आप आश्रव बंध से बचेंगे, और आश्रव बंध से जो बचेंगे वे संबंध जरा करेंगे, और संबंध जरा होगी तो एक दिन जीव को मोक्ष भी जरूर होगा। हम सभी इस आयु आदि के जंजाल से निकल करके परम शुद्ध दशा को उपलब्ध हो, सिद्धों की आराधना अरहंतों की आराधना करते हुए खुद भी
शुद्ध चैतन्य को उपलब्ध होंगे ये मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की।